अपने आप नू स्क्रीन ते उत्ते पहली बार देख के मैंने बहुत लाइक बटरफ्लाइज आ गए मैंने अंदर के अंदर। या इट वॉज अमेजिंग फीलिंग। एक्चुअली मेरा कैरेक्टर उदा नहीं है तो मूवी के हिसाब नाल थोड़ी जी सेंस बनती है। आई थिंक दैट्स वाई द राइटर्स एंड द डायरेक्टर वांटेड अ कैरेक्टर लाइक दैट। वो जाए नहीं मैं तेन अपनी कजन और मिलाना सी। मेरा सपना नंबर 1 ते सीगा, मेडिकल नंबर 2 ते सी। हले तू पढ़ाई कर ते अगे जाके कुछ होंदा है फिर देखा जाएगा ना। फिर अगे जाके कम मिल गया ते हुण वेखे जाए। तुसी हुण जाओगे चल भज चलिए वेखने लई। चल भज चलिए, चल भज चलिए, चल भज चलिए। फिर सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो माई पंजाबी टीवी ते मैं हां तुहाडे नाल मनप्रीत कौर। फिल्म आ चुकी है जी चल भज चलिए ते मेरे नाल बहुत ही सोहनी मुटियार है अलीशा सुडाना जी। सत श्री अकाल। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। सो बहुत ही वधिया मूवी है। पहला तो मैं आप ही खुद तारीफ कर दी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं लगता है कि ये अलीशा दी पहली मूवी है। हाँ जी, मेरा डेब्यू हैगा। मैं बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत नर्वसनेस हैगी है। हले भी मेरे हैंड थोड़े जे स्वेटी ना बट अपने आप नू स्क्रीन ते उत्ते पहली बार देख के मैंने बहुत लाइक बटरफ्लाइज आ गए मैंने अंदर के अंदर। या इट वॉज अमेजिंग फीलिंग। अलीशा लगी मूवी मैं वही दस लगी हाँ। मतलब कि मैनू देख के मूवी देखिया भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अलीशा दी ये पहली मूवी है फर्स्टली। और थोड़ी बहुत जी कह सकते हैं कि पंचिज ने वो बहुत सोहने पंचिज ने, बहुत ज़्यादा कॉमेडी उस विच ते थोड़ा वैसटर्न टच तो चलो आ ही जाता है ना क्योंकि तुसीं पंजाबी हुणे सीखी। हाँ जी, एक्चुअली मेरा कैरेक्टर उदा नहीं है तो मूवी के हिसाब नाल थोड़ी जी सेंस बनती है। आई थिंक दैट्स वाई द राइटर्स एंड द डायरेक्टर वांटेड अ कैरेक्टर लाइक दैट जे पंजाबी नू थोड़ा जा वैसटर्न टच दवे तदी। अलीशा सवब किवें बनिया पंजाबी मूवी करन दा? सुहाब एक्चुअली मैं मैडिकल की पढ़ाइयां करी सी उत्थे USA विच एंड आई एक्चुअली गॉट इट थ्रू ए को प्रोड्यूसर अभिषेक शर्मा जी एंड ही इज़ अ म्यूचुअल फ्रेंड। सो उन्होंने लाइक थोड़ा जहा मैनू भंगड़ा तो गिद्धा सारा आता सी ते वो फैमिली म्यूचुअल सी ते वो जानते सी ए गल ते उन्होंने प्रजेंट की मेरी प्रोफाइल टू द डायरेक्टर एंड राइटर एंड उन्होंने पसंद किया ते मिल गई मूवी एंड आई वेंट फॉर इट। एक्चुअली बिफोर दैट आई टुक 4 to 5 years ऑफ एक्टिंग क्लासेस इन द US एज वैल। तो उदे करके बहुत सारी कुड़ियां दा सपना होंदा है कि असी भी फिल्म इंडस्ट्री दे विच आए एंड यू आर ऑल्सो सो लकी गर्ल। और सैकेंड थिंग कि मैनू लगता है कि एक बंदे की परसनैलिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो तुसी बहुत सोहने हो तो सबब तो बन जाना सीगा अपने आप ही फिल्म दे विच आउण दा। सो मैनू लगता है कि जो नवी एक्ट्रेस भी आउंदियां ने है ना तो जो उन्हां दा पहला शूट हुंदा है, पहली फिल्म हुंदी है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नर्वस फील करदियां ने सैट ते कि पता नहीं जो साडे नाल मंजे होए करैक्टर ने प्ले कर रहे हैं बहुत ही वधिया वड्डे आर्टिस्ट ने तो उन्हां नाल असीं किवें परफॉर्म करांगे। उन्होंने सारे ने बहुत सपोर्ट किया ते एक्चुअली मैं बहुत नर्वस होंदी सी। मेरा फर्स्ट सीन हैगा सी इंद्र जी दे नाल ते मैं लाइक मैनू जो वैनिटी टीवी सी ना आई वाज लाइक मैं कर लाँगी आई गाड़े पर जो मैं सैट ते गई उत्थे इतनी की कहंदे लाइक हवा चल रही सी ते मैं होर नर्वस हो गई क्योंकि मेरे बाल सारे उड़े जा रहे सी तो मैनू लगे सी आई एम नॉट गोना गेट दिस शॉट, ये सीन नहीं होएगा ना मेरे से। बट ही सपोर्टेड मी सो मच, ही मेड मी वेरी कम्फर्टेबल और सीन निकल ही गया तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सैट ते सब तो वधिया पल किहदे नाल तुसीं उत्थे गुजारिया? मतलब बहुत वधिया आर्टिस्ट ने निर्मल ऋषि ने है गुरप्रीत पंगू ने। एक्चुअली नाउ दैट यू से दैट मैनू एक मोमेंट याद आउंदा है। असी चारों गड्डी विच बैठे सी प्रकाश कादू जी, निर्मल ऋषि जी ते मैं ते साडी भूआ जिहड़ी मूवी दे विच हैगे है ते मेरी माँ जिहड़ी मूवी दे रूपी जी ते असी पांचों गड्डी विच बैठे सी ते लाउड स्पीकर ते शब्द बज रहे सी सारे और इत्थे करमीत नहीं सी। असी नैर ते शूट कर रही सी जिहड़ा मेरा इंट्रो सीन हैगा ना वो शूट कर रही सी असी ते वो सरदार सोही जी साइड दे सारे शॉट्स ले रहे सी ते असी सारे गड्डी विच बैठे सी AC दे अंदर और असी सारे शब्द सुन रहे सी और गाए जा रहे थे। इन्ना मज़ा आया ना उस पल विच मैनू लाइक लग्या कि रब ने मेरी सुन लीती तो मैं इन्ने वड्डे कलाकारां विच बैठी हाँ इस दिन आज उस दिन लाइक इट जस्ट फेल्ट अमेजिंग। आई फेल्ट लाइक आई मेड इट इन दैट मोमेंट। इट्स जस्ट समथिंग आई विल चेरिश फॉर एवर। बहुत वधिया गल है कि सब तो पहला जो थोनू मूवी इन्नी प्यारी मिली है और उतों थोनू इन्ने मंजे होए जेडे कलाकार उन्हां नाल काम करन दा मौका मिले जो हर किसी दा सपना होंदा है। तो मैनू लगदा अलिशा की लाइफ दे विच हर किसी दा सपना होंदा कि असीं ये चीज़ अचीव करिए। तो ये तुहाडा सपना आखिर सीगा या फिर नहीं, क्योंकि तुसीं दस्सिआ कि तुसीं मैडिकल दे स्टूडेंट। हाँ जी, एक्चुअली मेरा सपना नंबर 1 ते सीगा, मैडिकल नंबर 2 ते सी। एक्चुअली मैं हाँ जी अंदरों दी एक्टर मैं एक्चुअली अपने पेरेंट्स को क्या सी तदी वो मैं इतना सपोर्ट करते। मैं जो 10 साल दी सी मैं अपने मम्मी डैडी को बिठाया सी ते मैं उन्होंने गल की मैं मैडिकल भी पसंद है पर मैं दिलों एक्टर बनना चाहती हाँ। तो मैं यह गल की उन्होंने कहा तू साड़ी कुड़ी आ ते असीं तैनूं सपोर्ट करेंगे नो मैटर वट। तो उस तो बाद हले तू पढ़ाई कर ते अगे जाके कुछ होंदा है फिर देखा जाएगा ना। फिर अगे जाके कम मिल गया तो हुण वेखे जाए तुसीं हुण जाओगे चल भज्ज चलिए वेखने लई। बहुत वधिया लगा थोड़े नाल गलबात करके, बहुत सारी गल्लां ने अजे करन वालियां ने। चलो क्योंकि तुसीं भी बहुत लेट हो रहे हो, बहुत रात हो चुकी है। सो मूवी बारे की कहना चाहोगे ऑडियंस? मूवी बारे प्लीज़ सारे जाओ, तुसीं सारे वेखियो। साडा मेरा ते इंदर ते रुबीना दा साडा सारा डेब्यू हैगा ते तुसीं सारे जाओ सानूं सपोर्ट करियो, मूवी नूं वेखियो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल। जान लगे एक बार फिर तो बहुत बहुत मुबारकां तुहाडी फिल्म नूं ते इदां ही हसदे वसदे ते होर तरक्कियां करो ते होर बहुत कुछ कमाओ। थैंक यू सो मच। तो तुसीं भी दिखदे रहो माय पंजाबी टीवी।